दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबाइए इस घंटे को हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और आप सब देख रहे हैं टेक्नोकेट ब्रदर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रुखमाबाई के बारे में, जिन्होंने डॉक्टरी के लिए अपने पति का घर छोड़ा। जब आप आज गूगल खोलेंगे तो उस पर बने डूडल के रूप में एक महिला गले में स्टेटोस्कोप पहने दिखेगी। रुखमाबाई रावत उपनिवेशिक भारत में प्रैक्टिस करने वाली कुछ पहली महिला डॉक्टरों में थी। उनकी 153वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी रुखमाबाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनी। रुखमाबाई का जन्म जनार्दन पांडुरंग और जयंती बाई के घर हुआ था। जनार्दन पांडुरंग की मृत्यु के बाद जयंती बाई ने अपनी संपत्ति रुखमाबाई के नाम कर दी। रुखमाबाई तब केवल 8 साल की थी। जब वो 11 वर्ष की हुई तो उनकी माँ ने उनकी शादी दादाजी भिकाजी के साथ कर दी, पर वह अपनी विधवा माँ जयंती बाई के घर ही रहती थी। जब दादाजी और उनके परिवार ने रुखमाबाई को अपने घर ले जाने के लिए कहा तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उनके सौतेले पिता सर्जन सखाराम अर्जुन ने इस निर्णय का समर्थन भी किया। रुखमाबाई 1979 में इंग्लैंड गई ताकि वे लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वीमेन में अध्ययन कर सके। रुखमाबाई ने मताधिकार कार्यकर्ता इवा मैकलरेन और वॉल्टर मैकलरेन और भारत की महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डफरिन के फंड की कांस्टेंट द्वारा सहायता दी गई। रुखमाबाई शिक्षा के बाद सूरत में एक अस्पताल में शामिल होने के लिए 1994 में भारत लौट आई और 1904 में उनके पति भिकाजी की मृत्यु हो गई। 1918 में रुखमाबाई ने महिला चिकित्सा सेवा में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और वह राजकोट में महिलाओं के लिए एक राज्य अस्पताल में शामिल हो गई। रुखमाबाई ने 35 साल तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य किया। दोस्तों रुखमाबाई एक सक्रिय समाज सुधारक थी। उनकी मृत्यु 91 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 1991 में हुई थी। तो दोस्तों आज हमने बात करी रुखमाबाई के बारे में, जिसका आज गूगल ने डूडल बनाकर उनका सम्मान किया है। तो दोस्तों आप रुखमाबाई के बारे में क्या सोचते हैं, इसका मुझे नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले से लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों रुखमाबाई के बारे में और भी लोगों को पता चलना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा दोस्तों, अगर मैं कोई भी टेक्नोलॉजी न्यूज़ या टेक्नोलॉजी अपडेट या कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स अपने चैनल पर डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी अच्छी टेक्नोलॉजी वीडियो में।